पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में परम पूज्य सुधांशु जी महाराज का दिव्य सत्संग की शुरुआत 23 मार्च से 26 मार्च तक होगी। आयोजित कार्यक्रम को लेकर विश्व जागृति मिशन मुरादाबाद मंडल की ओर से रामगंगा विहार स्थित दिव्य लोक आश्रम में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आयोजित प्रेस वार्ता में महिला प्रधान शोभा अग्रवाल ने बताया कि 3 साल बाद शहर में परम पूज्य सुधांशु जी महाराज का आगमन हो रहा है। उन्होंने बताया कि 22 मार्च को शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसका स्वागत जोर शोर के साथ शहर में किया जाएगा। 23 मार्च से पीलीकोठी स्थित ग्राउंड में सुबह और शाम 26 मार्च तक दिव्य सत्संग का आयोजन होगा, जिसमें परम पूज्य सुधांशु जी महाराज श्रद्धालुओं को संबोधित करेंगे। प्रेस वार्ता में मौजूद विश्व जागृति मिशन मुरादाबाद मंडल के प्रधान राकेश अग्रवाल ने बताया कि पूज्य महाराज जी वास्तव में एक सफल, संतुलित और विचारशील जीवन जीने की कला अत्यंत सरल शब्दों में सिखाते हैं। 23 तारीख से 26 तारीख तक तो गुरुवर का आशीर्वचन और सत्संग चलेगा, लेकिन उसके पूर्व 22 मार्च को दोपहर 3 बजे से शरवती धर्मशाला से और पीली कोठी तक विशाल कलश यात्रा चलेगी। कलश यात्रा में कलश 101 कलश लेकर के महिलाएं निकलेंगी और जगह जगह फूलों से स्वागत होगा। उसमें जगह जगह उसमें चाय पानी की व्यवस्था की गई है, प्रसाद की व्यवस्था की गई है। नवदुर्गे शुरू हो चुके होंगे, इसलिए व्रत का भंडारा, जब पीली कोठी पर सभी लोग आ जाएंगे तो व्रत का भंडारा भी रहेगा। सभी लोग कलश रखेंगे अपने स्टेज पर और व्रत का भंडारा उसमें चलेगा 22 तारीख को। आगे 23 तारीख की शाम से 23 तारीख की प्रातः गुरुवर मुरादाबाद में प्रदार्पण करेंगे, अपने निवास पर आएंगे और 23 की शाम से 4 बजे से 6 बजे तक गुरुवर का प्रवचन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 24 तारीख से और 26 तारीख तक 3 दिन तक प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक, शाम को 4:30 से 6:30 बजे तक गुरुवर अपने वचनों से, अपने आशीर्वाद वचनों से सभी को अभिभूत करेंगे। क्या अपील करना चाहेंगे, क्या जो महानगर के लोग हैं, भक्त हैं, उनसे क्या अपील? नगर के सभी श्रद्धालुओं से, भक्तों से, गुरु दीक्षित से आह्वान करना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे अधिक से अधिक संख्या में गुरुवर के प्रवचन सुनने के लिए उपस्थित हों और गुरुवर को भी अच्छा लगे कि मेरे भक्त इतने बड़े हुए हैं, मेरे को मानते हैं। गुरुवर यहाँ पे बहुत समय के बाद यहाँ पर आ रहे हैं, कोरोना टाइम में ही 2 साल निकल गए, 3.5 साल बाद गुरु यहाँ पर आ रहे हैं और हम ये भी आह्वान करना चाहेंगे उनके वचनों को सुनने के लिए अधिक से अधिक संख्या में खुद भी उपस्थित हों और अपने साथ के सभी लोगों को आने के लिए भी अवश्य कहें। विश्व जागृति मिशन की स्थापना परम पूज्य सुधांशु जी महाराज द्वारा की गई थी और उसी के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि आज वो विश्व विख्यात संत हो चुके हैं। हम सभी का सौभाग्य है कि 99 में पहली बार उनका मुरादाबाद पदार्पण हुआ था और उसी के दौरान यहाँ के लोगों ने उनसे दीक्षा प्राप्त की थी। हर वर्ष की भांति हम आज के दिन को अब दीक्षा पर्व के रूप में मनाते हैं। आज यहाँ वही कार्यक्रम हुआ है, लोगों में उत्साह देखते ही बनता है, उनके प्रति बहुत श्रद्धालुओं में बहुत अगाध श्रद्धा है। 23 से 26 मार्च तक गुरु जी का यहाँ पुराना आगमन हो रहा है और यहाँ पीली कोठी चौराहा स्थित जो ग्राउंड है उसमें उनका विराट भक्ति सत्संग आयोजित है। मैं महानगर की जनता से अपील करना चाहूँगा कि इस भक्ति सत्संग में अपनी भागीदारी को अवश्य सुनिश्चित करें। हम उनके द्वारा दिए गए वचनों को, उनके अमृत वचनों को जरूर सुने, जीवन में आत्मसात करें, यही मेरी सबसे प्रार्थना है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।